ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 12 जो कि है Applications of Trigonometry और उसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें पहला है जी Circles Connected to Triangles और दूसरा है Relation Between Small R, Capital R, R1 यानी जो कि Radius of Ascribed Circle है Opposite to A Vertex इसी तरह R2 जो कि opposite to B vertex होगा और R3 जो कि opposite to C vertex होगा और फिर इसी तरह से ये हमारे पास जो एक सिंबल है area of triangle का and S तो अब इनके दरमियान क्या relation है इनको हम अब MCQ से समझते हैं जी स्टूडेंट्स हम first MCQ solve करते हैं इसकी statement कुछ इस तरह से the circumcenter of a triangle is a point यानी एक ऐसा circle जो ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस से पास हो ठीक है अब उसका जो सेंटर होगा वो कैसे हासिल होगा यानी फर्ज करें ये सर्कल मैंने बनाया क्रॉप था ठीक है ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहां पर है सर्कल के ऊपर ये दूसरा था और ये तीसरा था तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बनी हुई है अब इसका जो सेंटर है सर्कल का वो कैसे हासिल हुआ है क्या आप ए ऑप्शन में कि एट विद द एंगल्स बाईसेक्टर मीट्स यानी क्या इन तमाम ट्रायंगल के एंगल्स इस पॉइंट पे मीट करते हैं पहला ऑप्शन हमें ये कह रहा है तब ये हासिल होता है या मीडियंस जो हैं वो मीट करते हैं इस पॉइंट पर यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाया जाए तो ये मीडियन बनता है क्या ये तमाम मीडियन इस पॉइंट से गुजरते हैं अब ये एक क्वेश्चन है या फिर तीसरा ये है कि एट व्हिच परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ साइड्स मीट और डी ऑप्शन एट व्हिच एल्टीट्यूड्स मीट ठीक है परपेंडिकुलर बाईसेक्टर्स ये होते हैं कि अगर ये मेरे पास ट्रायंगल की एक साइड है इसका मिड पॉइंट लिया जाए और एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए इस साइड का मिड पॉइंट और इसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ करनी होती है ठीक है इस तरह से और यहाँ से भी इस तरह से तो देखें बेसिकली हमने ये बात स्टडी कर रखी है कि जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं ठीक है वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट से ट्राइंगल के वर्टिसेस का फासला एक जैसा हो जाता है इसका मतलब कि ये पॉइंट जो होगा ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा जबकि अल्टीट्यूड्स या मीडियंस या एंगल वाइज सेक्टर्स के केस में हमने ऐसा नहीं स्टडी किया था हमने ये बात लॉजिकली थ्योरम्स में डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम्स में ये ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हुए हम अपनी जूनियर क्लासेस में इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा कि एट विच परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स मीट और इसी तरीके से हम एक ट्राइंगल बनाकर उसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ कर जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इनका कॉन्करेंसी होता है उसको सेंटर रखते हुए कंपस को ए ट्राइंगल के ए वर्टेक्स या बी या सी तक ले आते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं तो वो सर्कम सर्कल बन जाता है सेकंड एमसीक्यू देखें जी इसमें इस तरह की स्टेटमेंट है कि अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड जैसे कि अभी इससे पिछले हमने एमसीक्यू में बात समझी थी कि इसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं ठीक है इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा लेकिन अब अगर इन सर्कल हो तो वो क्या होता है यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन सर्कल में बनाऊंगा ठीक है तो ट्रायंगल की जो ऑल साइड्स हैं तीनों साइड्स हैं वो एक सर्कल के लिए टेंजेंट का रोल अदा करेंगे यानी एक सर्कल जो इन साइड द ट्राइंगल बनेगा ये जो ट्राइंगल की अगर ये साइड ए बी की मैं बात करूँ तो वो इसे सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी ठीक है फिर अगर मैं बी सी साइड की बात करूंगा तो वो भी इसे एक पॉइंट पर टच करेगी और इस तरह अगर ए सी साइड की बात करूंगा तो वो भी इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच तो ऐसा सर्कल जो होता है ना इसे हम इन सर्कल कहते हैं ठीक है जबकि एस्क्राइब सर्कल ये होता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स को प्रोड्यूस कर देता हूँ एक्सटेंड कर देता हूँ आगे ठीक है इस तरह से और अब मैं एक सर्कल बनाता हूँ जो इसकी ए बी साइड को एक्सटर्नली ठीक है और जो दो प्रोड्यूस्ड साइड्स हैं उन्हें इंटरनली टच करता है ठीक है फर्ज करें इस तरह से तो ये जो सर्कल होगा इसे हम कहेंगे कि ये हमारा स्क्राइब सर्कल अपोजिट टू जो है वो सी वर्टेक्स है इसलिए इसका जो रेडियस होगा यानी इसकी बाउंड्री से जो इसके सेंटर तक का फासला है इसे हम आर थ्री कहते हैं ठीक है जबकि सेमी सर्कल तो एक आधे सर्कल को कहा जाता है जो कि एक सर्कल का डायमीटर जो है वो ड्रॉ करने से हाफ सर्कल हमें हासिल हो जाता है ठीक है
तो यानी डायमीटर ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है, ऑलरेडी बातें हमें पता है। तो लेकिन ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में अगर कहीं पे ये यूज हो तो आपको वो भी हेल्प करें, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि सर्कम सर्कल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी कि देयर आर डैश एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल, यानी अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ की जाए तो उसके अंदर कितने उसके एलिमेंट्स होंगे। फर्ज करें ये मेरी ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें देखें हर जो साइड है उसके ऑपोजिट, मतलब हर एंगल के ऑपोजिट एक साइड जो है, जैसे स्मॉल ए साइड, बी के सामने स्मॉल बी साइड, सी के सामने स्मॉल सी साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, तीन साइड्स और तीन इंटरनल एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो कितने एलिमेंट्स हुए, यानी जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम इन साइड्स, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को मेजर करेंगे। इसका मतलब कि ऑप्शन जो डी है जिसमें कि सिक्स लिखा गया है, ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि एक ट्राइंगल के सिक्स जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है जी। यानी अब हम ये बात जानते हैं कि स्मॉल आर जो है, जो कि रेडियस ऑफ इन सर्कल है, ठीक है, इसे हम यू कहते हैं कि ये इक्वल होता है डेल ओवर एस के इक्वल, ठीक है। और डेल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वो हिरल्स फार्मूला से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि एस मैं दोबारा ड्रॉ कर लिख देता हूँ, ये मुझसे सही लिखा नहीं गया, यहाँ पर एस माइनस सी, जबकि एस तो ऑलरेडी हम जान ही रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, वो एक हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, यानी तमाम साइड्स का सम करके ट्राइंगल की, ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड कर दें अगर टू से तो ये एस के इक्वल होता है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो कैपिटल आर है, यानी जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि वो किसके इक्वल होता है जी, वो इक्वल होता है तमाम तीनों साइड्स का प्रोडक्ट दिया जाए और फोर टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स डिवाइड कर दिया जाए, तो ये रेडियस ऑफ जो सर्कम सर्कल है वो आ जाता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों में रिलेशन प्रोड्यूस किया जाए कि आर क्या 4r के इक्वल होता है या आर आर ओवर 2 के इक्वल होता है, तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो फिलहाल हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें फिर तमाम साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, कि मेजरमेंट बराबर होती है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, यानी 3a/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एस माइनस ए को कैलकुलेट कर लिया जाए तो एस की वैल्यू है 3a/2, ठीक है, 3a/2, इसमें से अगर ए माइनस कर लें यानी एलसीएम ले लें तो 3a-2a हो जाएगा ओवर 2, जो कि a/2 आता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a/2। सिमिलरली एस माइनस बी भी एस माइनस ए के बराबर है और एस माइनस सी भी एस माइनस ए ही के बराबर है, तो हमारे पास ये जो इक्वालिटी है कुछ हिस्सा बन जाएगी कि ये बन जाएगा 3a/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a/2 a/2 a/2, ये 3 दफ़ा आ रहा है, तो a³/2³ आ जाएगा, क्योंकि a की पावर यहाँ 1 भी और 3 भी है, तो a⁴ और 2⁴ हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × a⁴, 2⁴, और इन्हें जब स्क्वेयर रूट से बाहर लिखा जाएगा तो इनकी पावर हाफ हाफ रह जाएगी, यानी 3 स्क्वेयर रूट के अंदर रहेगा और a²/2², यानी 4 बाहर आ जाएगा स्क्वेयर रूट से, और 3, ये हमारे पास डेल की वैल्यू, जबकि डिवाइडेड बाय एस जो है, यहाँ पर एस भी हमने लिखना है, जो एस है वो किसके इक्वल था, वो 3a/2 के था, तो यहाँ पर 3a/2 हम लिख देंगे, और जब मल्टीप्लाई का साइन शिफ्ट होगा तो ये 3a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ इस 4 को कैंसिल कर देगा, ठीक है, जबकि a इस a² को ख़त्म कर देगा, तो मेरे पास जवाब आएगा a/2, ठीक है, a/2 √3/3, 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी √3 2 टाइम, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जवाब आएगा a
over under root 3 multiply by 1 by 2. ठीक है, ये हमारे पास जो value आई है, ये किसकी आई है जी? ये r की आई, small r की. अब capital R जो है, अगर हम इसको simplify कर लें, यहाँ पर चले मैं इस तरह से separate कर लेता हूँ इन्हें. तो देखें, ये capital R जो है, वो equal to होगा a, b, c तीनों बराबर हैं, यानी a cube हो जाएगा 4, और del की value भी हमने यहाँ पर calculate की थी, ये कितनी आई थी? a square over 4 time under root 3, ठीक है? ये भी हमने calculate की थी, तो 4 4 से cancel, a square a cube को cancel कर देगा, तो r की value आ जाएगी a over under root 3, जो कि अगर हम यहाँ पे put करें, ये small r हम लिख रहे हैं इसे, तो small r is equal to आ जाएगा यहाँ पर r और multiply by 1 over 2 का मतलब r by 2. इसका मतलब small r जो है वो किसके equal आएगा? r by 2 के equal आएगा, जो के option b में available है. इसलिए हमारा जो best option होगा इस question के लिए वो option b होगा, और हम इसे mark कर देंगे. बाकी जो a option, c option और d है, वो इसके लिए suitable नहीं है. जी students, next MCQ solve करते हैं, जिसकी statement ये है कि for an equilateral triangle which of the following is not true. देखें, पहले MCQ ये कि R जो कि हमारे पास radius होता है in circle, इसे हम in radius कहते हैं. अगर इसकी ratio capital R जो कि circum radius है, circum circle का radius इसे ली जाए, और फिर इसकी ratio मतलब तीनों की ratio ली जाए, R1 जो है वो हमारे पास ascribed circle का जो radius है, जिसको जो के opposite to opposite to a vertex बनेगा, ठीक है? ये रेशियो बनती 1:2:3, तो ये बेसिकली ट्रू है. इसको मैं भी प्रूफ भी कर दूंगा आपको कि किसका प्रूफ ये ट्रू है, ठीक है? अब इस बी में भी देखें तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन सी देखें तो ये रॉन्ग इस लिहाज से है कि इसमें अगर आप राइट साइड देखें, बल्कि अगर लेफ्ट साइड पहले देखें, तो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं रेशियो में, जबकि यहाँ पे 4 टर्म, तो जो 3 टर्म 4 टर्म्स के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें ट्रू नहीं है, मतलब जो गलत है उसको हमने मार्क करना था, जबकि डी ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल दुरुस्त है. इसे पिछले एमसीक्यू में हमने ये बात सॉल्व की थी, ठीक है, कि हमारे पास जो आर है, स्मॉल आर, वो किसके इक्वल आ गई थी उसकी वैल्यू जी? हमने आप मतलब इस वीडियो को रिप्ले कर, जो है मतलब दोबारा इसको प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड करके, कि इसमें r की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी a ओवर अंडर रूट 3, बल्कि 2 इंटू अंडर रूट 3 आई थी, ठीक है? जबकि कैपिटल r की वैल्यू जो थी वो हमारे पास आई थी, इसको हमने कैलकुलेट किया था a ओवर अंडर रूट 3, ठीक है? और इसी तरह अगर मैं r1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो वो मेरे पास चूँकि डेल ओवर s माइनस a के इक्वल है, ठीक है, और डेल की वैल्यू हमने देखा था कि वो हमारे पास आई थी a स्क्वायर ओवर 4 टाइम अंडर रूट 3, ठीक है, और जब s माइनस a की वैल्यू से इसको डिवाइड किया जाएगा, यानी a बाय 2 से, तो ये उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 ओवर a, ठीक है? तो 2 2 से कैंसिल, 2 मतलब कैंसिल कर देगा 4 को, 2 2 जा 4 और a a स्क्वायर को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा a अंडर रूट 3 बाय 2, ठीक है? अब अगर ये रेशियो ली जाए r की कैपिटल r से और फिर स्मॉल r1 से, और इनकी वैल्यूज को पुट किया जाए कि स्मॉल r की वैल्यू a ओवर 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है, इसकी रेशियो ले ली जाए a ओवर अंडर रूट 3 से, और इसकी रेशियो ले ली जाए a अंडर रूट 3 बाय 2 से, ठीक है? और रेशियो को सिंपल बनाने के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे जी, मैं मल्टीप्लाई का साइन ने यूज़ किया, मल्टीप्लाइंग में कर दूं इसे अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 टाइम्स अंडर रूट 3, ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट 3 ओवर a से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 और अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएंगे और a से कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 और a कैंसिल हो जाएंगे लेकिन 2 बच जाएगा, तो यहाँ 2 रह जाएगा, जबकि यहाँ पे a a से कैंसिल हो जाएगा 2 2 से, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 3 के बराबर है. तो ये देखिए, ये बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है? सेकंड भी ट्रू है और डी ऑप्शन भी ट्रू है, ठीक है? ये आप खुद इससे प्रूव कर देंगे. तो
इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऑप्शन जो सी था वही वाकई जो था वो एक फॉल्स स्टेटमेंट थी, यानी नॉट ट्रू था, इसलिए हमने उसे मार्क कर दिया है। जी स्टूडेंट्स वेलकम, हम नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास जो एक स्क्वायर रूट है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर आर लिखा हुआ है, यानी सर्कम जो हमारे पास इन सर्कल है उसका रेडियस है, आर वन जो है वो स्क्राइब सर्कल अपोजिट टू ए वर्टेक्स उसका रेडियस है, सीधा आर टू अपोजिट टू बी जो वर्टेक्स उसका रेडियस, और आर थ्री अपोजिट टू सी वर्टेक्स जो है उसका रेडियस है स्क्राइब सर्कल का, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आखिर इसमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा, ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास जो आर है वो डेल ओवर एस के बराबर है। इसी तरह आर वन होता है डेल ओवर एस माइनस ए, ठीक है, ये डेल ओवर एस माइनस बी आर टू, और आर थ्री होता है डेल ओवर एस माइनस सी के। अब देखिए यहाँ पर डेल जो है वो फोर टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इन्हें होल पावर फोर में लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि नीचे प्रोडक्ट जो है वो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, जो कि डेल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ से डेल स्क्वायर डेल पावर फोर को कैंसिल कर देगा, डेल स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास जो जवाब देगा वो सिंपल डेल्टा देगा, यानी जो ट्राइंगल का ये सिंबल है, इसका मतलब कि जो ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो ये ऑप्शन है जिसका डेल ओवर टू ए बी सी ये भी नहीं बनता, हाफ बी सी साइन बीटा ये भी नहीं बन रहा, और ना ही साइन अल्फा बनता है।